सुखप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जलंधर शॉपिंग हॉल और साथ ही साथ वीलॉग भी. जलंधर की जो शॉपिंग मार्केट है वो बहुत ही बड़ी है. इट्स लाइक उसमें क्लोथिंग मार्केट है जिसको बोलते हैं रैनक बाजार, उसके साथ ही अटैच्ड है होलसेल मार्केट जिसको बोलते हैं अटारी बाजार, जहाँ पे आपको हर सामान होलसेल में मिलता है, जैसे कि क्लोथ्स और एक्सेसरीज, मेकअप, ऑल दैट कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग इज सोल्ड एट होलसेल प्राइस. उसके अलावा वहाँ पे है बर्तन वाला बाजार, जहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील के हर तरह के बर्तन मिलते हैं. मतलब शहर में जितनी भी शादियाँ होती हैं और लड़कियों के लिए जो भी घर का सामान बनाना होता है वहीं से आके सब लोग शॉपिंग करते हैं. और ये सारी मार्केट आपस में इंटर अटैच्ड है एंड इट इज़ सो ह्यूज. मैंने जब पंजाब में थी, मैंने वहाँ पे रिसेंटली आई थिंक मार्केट में 4 से 5 बार गई होंगी और 2 दिन तो मैं जस्ट रैंडमली घूम ही रही थी. इट वॉज सो 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 ह्यूज. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. आई होप यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय दिस. रुकी हूँ जहाँ से मैं मार्केट में एंटर करने वाली हूँ. इस पॉइंट को बोलते हैं सरदा गेट, जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक रैनक बाजार में, एक मीना बाजार, और ये जो राइट साइड में जा रहा है ये जाता है होलसेल मार्केट अटारी बाजार को. मैं इस वक्त जा रही हूँ सीधा मीना बाजार की गली में, जहाँ पे जो भी पंजाबी वेडिंग का सामान होता है, जैसे कि चूड़ा और कलीरे और सहरा, छोटी छोटी जो डिटेल की चीज़ें होती हैं, ये सारा सामान इस मार्केट में मिलता है वेडिंग के लिए, हार. सो मोस्टली मीना बाजार में, जैसे बोलते हैं कि ये आप देखिए कितने ब्यूटीफुल चूड़ाज हैं इस शॉप में, तो मीना बाजार में सारा मीनाकारी का सामान, जैसे कि ज्वेलरी, एक्सेसरीज, हेयर क्लिप्स और परांदे, जो भी आप इमेजिन करें आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी. यहाँ पे कुछ सिल्वर ज्वेलरी की भी शॉप्स हैं, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव शॉप्स हैं जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव दुपट्टाज मिलेंगे. दीज शॉप्स यू विल गेट ओनली द हैवी दुपट्टाज. सो दैट्स इट. ये गली बहुत छोटी है, यहाँ पे मैं आफ्टरनून के टाइम पे आई हूँ इसलिए आराम से वॉक कर पा रही हूँ. अदरवाइज यहाँ पे आप बिना किसी से टकराए वॉक कर ही नहीं सकते. मीना बाजार की गली को क्रॉस करके जब हम निकलते हैं तो राइट और लेफ्ट में 2 रास्ते दिखते हैं. अगेन जो राइट साइड का रास्ता अभी मैं आपको अगेन दिखाने वाली हूँ. ये इयररिंग्स यहाँ पे बहुत ट्रेंड में है, कुंदन इयररिंग्स और पत्रा वर्क वाले इयररिंग्स मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. सो मीना बाजार से बाहर निकलते ही राइट साइड से अगेन आप सीधा अटारी बाजार जा सकते हैं और लेफ्ट साइड से रैनक बाजार. यह है बर्तन वाला बाजार, जहाँ पे आपको हर तरह के स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के बर्तन मिलेंगे. और दैट्स इट. अब मैं घर जाने वाली हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कौन सा स्टफ है जो मैंने बाय किया है. सबसे पहले है ये एक सूट जो कि है ब्राइट येलो कलर का, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट कलर है ये. और मुझे सॉलिड कलर्स बहुत पसंद है, मुझे मोनोक्रोम भी बहुत पसंद है. आई प्रेफर टू वेयर लाइक सिंगल कलर और कंट्रास्ट, लाइक मुझे प्रिंट्स जो है वो बहुत रेयरली पसंद आते हैं, वेरी रेयर. सो दिस इज़ वन येलो सूट विच आई हैव बॉट. इट इज़ प्योर कॉटन एंड इट हैज़ दिस नाइस सेल्फ येलो कलर एम्ब्रॉयडरी एंड इट हैज़ दिस टाई एंड डाई पैटर्न ऑल ओवर इट. सो इसमें स्टोन जो है वो मैंने खुद ऐड किए हैं, जस्ट घर पे पड़े थे तो मुझे लगा बहुत थोड़ा सिंपल सा है तो चलो थोड़े से स्टोन ऐड कर देती हूँ. और उसके अलावा मैं स्टिच करवा के भी वहीं से लाई हूँ बिकॉज आई प्रेफर टू गेट देम स्टिच्ड ओवर देयर. मुंबई में मैं ज़्यादा स्टिच नहीं करवाती. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट. इसके साथ मैंने पजामी स्टिच कराई है और ये है इसका दुपट्टा, जिसके ये जो पॉम पॉम्स हैं वो मैंने खुद लगाए हैं घर पे बैठ के स्टिचिंग मशीन के साथ. सूट जो मैंने बाय किया है अमृतसर से, दिस हैज़ दिस ऑरेंज बॉर्डर और इसके बीच में यहाँ पे एक सेंटर में एक्स्ट्रा पैच वर्क भी था जिस तरह का इसके बॉटम पे है. ये बॉटम है, इसका बॉटम जो है वो रेडी टू वेयर था, लाइक स्टिच्ड था और सिर्फ शर्ट स्टिच करवानी थी. सो और इसके साथ दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं था, बट आई ऑलरेडी हैड अ ऑरेंज दुपट्टा सो आई पिक्ड अप दिस ऑरेंज कलर. और जो सेम बॉटम पे पैच है द सेम पैच इसके ऊपर भी था लेकिन मैंने उसको रिमूव करा दिया. सो नेक्स्ट थिंग जो मैंने बाय की है वो है पंजाबी जुत्ती. एक्चुअली मैं ये अमृतसर से बाय करना चाहती थी लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने जलंधर से बाय किया एंड आई वाज लाइक वेरी मच हैप्पी बाय जस्ट बाइंग दीज बिकॉज इट हैज़ रियली नाइस दिस गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड वर्क एंड विच कैन बी वोर विद एनी काइंड ऑफ ड्रेस. सो लाइक आई रियली लव, लाइक अगर फ्लैट्स पहनना हो तो मेरी प्रेफरेंस होती है पंजाबी जुत्ती, अदरवाइज आई प्रेफर वेयरिंग हील्स ओनली, लाइक इन फ्लैट्स लाइक दे आर माई फर्स्ट प्रेफरेंस टू. जब मैं अपने पंजाबी जुती बाय की और मैंने अपने डॉटर को दिखाया तो शी गेट सो एक्साइटेड कि मम्मा मुझे भी एक चाहिए. देन नेक्स्ट डे वी वेंट अगेन एंड बॉट अनदर पेयर फॉर हर एंड शी रियली लव पिंक कलर
She's like totally into pink color. So it has such a vibrant, bright pink color. So this one's for her. And उसके अलावा मैंने buy की वहाँ से बहुत सारे bedsheets, दो pair of bedsheets buy की, एक दोहर buy किया और बहुत सारी hair accessories and bindis बहुत सारी buy की. I'm just going to show you. I am a kind of obsessed with bindis. ये मैंने bindis buy की जो कि dual color की हैं. In a single strip they have dual color. उसके अलावा these are the regular stone kind of bindis. You can get them, I think, anywhere, everywhere ये available होती हैं, लेकिन मैं वहाँ पे buy कर रही थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है अभी. So this is another special bindi which I bought, like this is a really extra large size. मैंने कभी इतनी बड़ी bindi लगाई नहीं है, but I have bought this specially for makeup tutorial जो कि मैं अपने channel पे बहुत जल्द post करने वाली हूँ. So you guys just keep watching for that makeup tutorial. एंड उसके अलावा मैंने बाय किए हैं बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज लाइक इस तरह के जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि हेयर एक्सेसरी की होलसेल मार्केट है तो वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं लाइक दिस पैकेट वाज जस्ट फॉर 10 रुपीज़ एंड इस तरह के टिकटॉक्स बच्चों के लाइक फॉर माई डॉटर दीज वर ऑल्सो जस्ट फॉर 10 रुपीज़ तो जितने भी कलर्स थे आई बॉट ऑल देन आई बॉट दिस फैंसी जूड़ा पेन्स जो कि ये पूरा पैक जस्ट 50 रुपीज़ का ही था सो लाइक दे आर सो ईजी टू वेयर यू कैन जस्ट एड देम इन योर हेयर सी दे आर सो ये है ये पेयर ऑफ पत्रा इयररिंग्स पत्रे इयररिंग्स का बहुत ही ट्रेंड है पंजाब में दिस इज अ लेटेस्ट न्यू थिंग ओवर देयर पत्रा इयररिंग्स और साथ में मांग टीका इस तरह के पूरे सेट अवेलेबल थे एंड सी सो मैंने प्रेफर किया ये बाली स्टाइल का बाय करना क्योंकि मुझे ये लगा कि ये मेरी फेस टाइप को सूट करेगा इस तरह का राउंड इयर रिंग और उसके अलावा ये जो मोती है मैंने वाइट के बाय किए ताकि हर ड्रेस के साथ मैच हो जाए प्लस इसमें मल्टी कलर भी था और इतने सारे डिज़ाइंस थे लाइक यू कैन टोटली गेट कंफ्यूज लाइक विच डिज़ाइन टू पिक अप सो दिस इज़ अनदर थिंग विच आई पिक्ड अप और ये मैंने बाय किए हैं कुछ 200 रुपीज़ के मांग टिका एंड इयर रिंग्स जो कि मैंने होलसेल मार्केट से बाय किए क्योंकि नॉर्मल जो रेगुलर मार्केट थी उसमें ये कहीं पे भी 350 से कम प्राइस में अवेलेबल नहीं थे और होलसेल मार्केट से मुझे इजीली 200 रुपीज़ में मिल गए पेयर ऑफ इयररिंग्स इनका कलर और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है पिंक और ग्रीन ये इतना अट्रैक्टिव था कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू बाय देम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्लोजर लुक और ये बहुत ही अफोर्डेबल थे जस्ट 150 रुपीज़ के और मुझे लगा कि ओके आई शुड बाय देम द पेयर ऑफ इयररिंग विच आई हैव बॉट जो कि आपने देखा भी होगा मेरे पंजाब वीलॉग वीडियो में मैंने यही पेयर ऑफ इयररिंग पहना था और एक्चुअली वहाँ पे देर वॉज अ सुपर अफोर्डेबल सेल गोइंग ऑन फ्रॉम वेयर आई हैव पिक दीज एंड दे वर ओनली फॉर 30 रुपीज़ विच वॉज लाइक टोटली लाइक अफोर्डेबल प्राइस फॉर दिस काइंड ऑफ इयररिंग सो दैट्स व्हाई आई पिक देम अप उसके अलावा आई बॉट दिस अनदर पेयर ऑफ पत्रा इयररिंग्स जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि देवर इन बिग ट्रेंड लाइक द ट्रेंड इज गोइंग ऑन राइट नाउ ओवर देयर टू वेयर दिस पत्रा इयररिंग्स एंड दे कैन बी वोर विद एनी काइंड ऑफ ड्रेस सो दिस इज अनदर पेयर विच आई बॉट ओनली फॉर 30 रुपीज़ एंड उसके अलावा है ये और दो पेयर ऑफ इयररिंग्स दिस इज द ग्रीन बट ये हैं जो कि आप वेस्टर्न ड्रेसेज या कुर्ती के साथ पहन सकते हो एंड दे आर ऑल्सो फॉर 30 रुपीज़ ओनली ईच Then again there is one more beautiful pair of tassel earrings और इनका price है just 50 रुपीज़ of tassel earrings है और जो कि बाली की form में है और उसके अलावा मैंने एक ये light weight earrings buy किए हैं क्योंकि heavy earrings से मेरे ear में बहुत ज्यादा pain होता है तो they are totally light weight के बाद ये मैंने हेयर एक्सेसरीज में मल्टी कलर हेयर पिन बाय किए मैंने इसमें ग्लिटर वाले हेयर शॉपिंग हॉल जलंधर से मैंने शेयर किए हैं कुछ क्लोथ्स एक्सेसरीज शूज जो चीजें मैंने वहां से बाय की हैं आई होप मेरा वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज जो है वो सबसे बेस्ट लगी है एंड विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल मार्केट इन योर एरिया आप हर शहर में हर कोई ना कोई एक ऐसी मार्केट होती ही है जहाँ पे आपको होलसेल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं तो अगर आपके शहर में वो मार्केट है तो वो कौन सी मार्केट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको सबसे
अच्छी लगी मेरे पूरे के पूरे इस वीडियो में से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।